चीको द रेसिपीज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदि पुरुष अपरंपार अलेख पुरुषाय नमः। नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा। मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज से मैं आपको गीता का एक अध्याय रोजाना सुनाना शुरू करूंगी, क्योंकि श्राद्धों में गीता का एक अध्याय रोजाना करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। बिना किसी उपाय के पितृ दोष खत्म हो जाता है। अगर घर के पितृ शांत होते हैं तो घर में सुख शांति समृद्धि अपने आप आने लगती है। ये मेरा अनुभव है। गीता का पाठ श्राद्ध में तो करना ही चाहिए, लेकिन अगर बिना श्राद्ध के दिनों में भी आप रोजाना एक अध्याय पढ़े तो आपको असीम शांति का अनुभव होगा और आप अपने अंदर भारी बदलाव को महसूस करेंगे। मनुष्य जीवन में आकर अगर गीता का पाठ पढ़ा या सुना नहीं तो मनुष्य जीवन व्यर्थ है। तो आज से मैं पहला अध्याय शुरू करने जा रही हूँ, तो सुनिए। जब कौरव पांडव महाभारत के युद्ध करने के लिए चले, तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी युद्ध को देखने चलूँगा। तब व्यास जी ने कहा, हे राजन, नेत्र बिना क्या देखोगे? राजा धृतराष्ट्र ने कहा, देखूंगा नहीं, सुन तो लूंगा। तब व्यास जी ने कहा, हे राजन, तेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी वो यहाँ बैठे ही सुना देगा। व्यास जी के मुख से यह वचन सुनकर संजय ने विनती करी, हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में बैठे कुरुक्षेत्र की लीला कैसे जानूंगा तथा राजा को किस भांति सुनाऊंगा? तब व्यास जी ने संजय को यह वचन कहा, संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ ही सब दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही संजय की दिव्य दृष्टि हो गई और बुद्धि भी दिव्य हो गई। अब आगे महाभारत की कथा कहते हैं, तो सुनो। 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की, यह दोनों सेना कुरुक्षेत्र में जा एकत्र हुई। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों का क्या किया? संजय ने कहा, पांडवों की सेना को व्यूहित देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के समीप जाकर कहने लगे, हे आचार्य, देखिए, आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसी व्यूह रचना की है। सेना में अर्जुन भीम जैसे बड़े बने धनुर्धारी विराट महारथी द्रुपद, धृष्टकेतु चेकितान, बलवान काशीराज, पुरुजित कुंती भोज नरों में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्मोजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सब के सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके स्मरण करने के लिए अब मैं अपनी सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम बताता हूँ। आप भीष्म, करण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भुविश्रवा और बहुत से शूरवीर मेरे लिए प्राण तक देने के लिए तैयार हैं। ये लोग शस्त्र चलाने में अति निपुण हैं। हमारी सेना का, जिसके भीष्म सेनापति हैं, अपरिमित बल है, यानी कि उनमें बहुत बल है। उनकी सेना, जिसके भीष्म रक्षक हैं, अब आप सब अपने अपने मोर्चों पर सावधान रहकर सेनापति की रक्षा कीजिए। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए और ऊंचे स्वर में गरजते हुए शंख बजाया। फिर वहां चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, गोमुखी आदि बजने लगे, जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ, जिसके बाद श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने 5 जन्य और अर्जुन ने भी देवदत्त नामक शंख को और भीषण कर्म करने वाले भीम ने पौंड्रक नामक बड़े शंख को बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक और धनुर्धर काशीराज शिखंडी, धृष्टद्युम्न विराट, अपराजित सात्यकी, राजा द्रुपद
और द्रौपदी के 5 पुत्रों और महाबाहु अभिमन्यु इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा कि हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख लूं कि इस रणभूमि में मुझे किस किस के साथ युद्ध करना चाहिए। दुर्योधन की प्रीति करने वाले जो युद्ध के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं उनको देखूंगा। संजय ने कहा, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा कि हे वीर, युद्ध के लिए उद्यत इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पोत्र, मित्र, ससुर और स्वजनों को शस्त्रों से सुसज्जित खड़े देख और उसने इन दोनों सेनाओं में अपने ही सब रिश्तेदारों, बांधवों को देखकर परम दयाद्र हुए यह वचन कहे, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से आए हुए इन अपने बंधुओं को देखकर मेरे अंग ढीले होते जा रहे हैं, मेरा मुख सूखा जा रहा है, मेरा शरीर बेजान हो रहा है, मेरा गांडीव हाथ से गिरा जाता है। हे केशव, मुझमें यहाँ खड़े रहने की शक्ति नहीं है और सब लक्षण मैं उल्टे देख रहा हूँ और संग्राम में मैं अपने स्वजनों का वध करके कोई लाभ नहीं होगा। हे कृष्ण, मैं जीत, राज्य और सुख भी नहीं चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे राज्य, भोग तथा जीवन से क्या काम है, क्योंकि जिनके लिए राज्य, भोग और सुख की इच्छा छोड़ मरने को तैयार हैं, इस युद्ध में मैं प्राण और धन की इच्छा छोड़ मरने को तैयार हूँ। आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मातामह, ससुर, पोत्र, साले और संबंधी ये सब मुझे मारें तो भी, हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूँगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, फिर इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या भला होगा, इसलिए हमें अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना अनुचित है। हे माधव, स्वजनों को मारकर क्या हम सुखी हो सकते हैं, ये सब लोभ के वशीभूत हैं और कुल के नाश करने तथा मित्र द्रोह करने में, पाप द्रोह करने में पाप को नहीं देखते हैं। कुल के नाश दोष को जानते हुए भी हमको इस कार्य से, इस काम से क्यों नहीं दूर रहना चाहिए। कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी होती है, जिससे बुरी संतान उत्पन्न होती है। वह बुरी संतान जिन्हें पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है उनको तथा उस कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि श्राद्ध, तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। बुरी संतान बनाने वाले दोषों से कुल ध्वंसकों के जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश होते हैं। हे जनार्दन, मैंने बराबर सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय नरकवास करना होता है। हम बड़ा पातक करने को तैयार हैं जो राज्य सुख के लोभ से स्वजनों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। शस्त्रों को धारण किए धृतराष्ट्र के पुत्र यदि मुझे शस्त्र रहित और उपायहीन को रणभूमि में वध कर डालें तो मेरा बहुत कल्याण होगा। संजय ने कहा, हे राजन, यह कहकर दुखित होकर अर्जुन ने अपना धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पिछले भाग में जा बैठा।